है ना। तो आप लोग का आज का टॉपिक क्या है, बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। उधर से जाओ, उधर से घूम के, ठीक है। तो बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में, ठीक है, कल मैं बेसिक इसका बता दिया था, है ना, कि इसे किसने दिया था, जॉर्ज बेंथम 1800 और 1894, है ना, इसे दिया था बेंथम एंड हुकर ने, है ना। इसीलिए इस सिस्टम को बेंथम एंड हुकर सिस्टम कहते हैं। और इस सिस्टम को और क्या बोला था हमने, नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम बोला था कल, है ना, क्या बोला था, नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम बोला था। और इन दोनों ने तीन खंड वाला एक बुक पब्लिश किया था, जिसे हम क्या बोलते हैं, जेनेरा प्लांटेरम, है ना, क्या बोलते हैं, जेनेरा प्लांटेरम नामक किताब इन्होंने पब्लिश किया था। आ जाओ, देख के चलना है, वायर है। तो इनका जो किताब का नाम क्या था, जेनेरा प्लांटेरम, है ना। इनका क्लासिफिकेशन सिस्टम था, वह डी कैंडोले के क्लासिफिकेशन सिस्टम के आधार पर था, है ना। इसका क्लासिफिकेशन सिस्टम का आधार क्या था, डी कैंडोले का क्लासिफिकेशन सिस्टम ही इसका आधार था, ठीक है। तो इसका क्लासिफिकेशन सिस्टम का आधार क्या था, डी कैंडोले के क्लासिफिकेशन सिस्टम का आधार ही इसका आधार था। इनमें इन्होंने इंक्लूड किया था, देखो, है ना, 202 फैमिली, इतना फैमिली, है ना, इसके अलावा 7569, देखो कितना, 7569 जेनेरा, है ना, और कितना स्पीसीज जी, 97,205 स्पीसीज, इतना स्पीसीज इन्होंने इनमें इंक्लूड किया था जेनेरा प्लांटेरम में, है ना। तो हम इसका जो क्लासिफिकेशन सिस्टम देखेंगे, तो इनमें बेस क्या था इनका, सबसे पहले जो बेस था इनका, देखो, सीड प्लांट, है ना, क्लासिफाई कि इनको किया था इन्होंने सीड प्लांट को, सीड प्लांट। और इस सीड प्लांट को और हम क्या नाम से जानते हैं, फेंड्रोगेम्सा, क्या बोलते हैं, फेंड्रोगेम्सा, फेंड्रोगेम्स को ही हम क्या बोलते हैं, सीड प्लांट। और सीड प्लांट में कौन कौन सा आता है, जितने भी जो सीड बेयरिंग प्लांट है ना, जिनका ओव्यूल ओवरी के अंदर क्या रहता है, इनक्लोज रहते हैं, बंद रहते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, सीड प्लांट बोलते हैं। अब देखो, जो सीड प्लांट है इनमें कौन कौन सा आएगा, देखो आपका जितने भी एंजियोस्पर्म प्लांट और जिम्नोस्पर्म प्लांट, है ना। तो जिम्नोस्पर्म कैसा प्लांट है, नेकेड सीड वाले प्लांट है, और एंजियोस्पर्म ओव्यूल के अंदर में बंद रहने वाला सीड वाले प्लांट है। तो इन्होंने सभी को इंक्लूड किया था, जितने भी सीड प्लांट को, इस क्लासिफिकेशन सिस्टम को, है ना। इनमें अलग से क्या बोलते हैं, एल्गी, ब्रायोफाइटा, ट्रेडोफाइटा को इनमें स्थान नहीं मिला है, सिर्फ हम सीड प्लांट की बात करेंगे, है ना। अब देखेंगे इनका जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है, सीड प्लांट को इन्होंने मुख्यतः तीन भाग में बांटा, कितने भाग में, तीन भाग में बांटा, है ना। पहला बोलते हैं क्या, डाइकोटिलेडॉन, देखो पहला क्या था, डाइकोटिलेडोनी, है ना। दूसरा क्या था, जिम्नोस्पर्मी, है ना, दूसरा इनका क्या था, जिम्नोस्पर्मी। और तीसरा है मोनोकोटिलेडोनी, मोनो, है ना। तो मोनोकोटिलेडोनी इन्होंने तीन भाग में इन्होंने बांटा, देखो क्या क्या, डाइकोटिलेडोनी, जिम्नोस्पर्मी और मोनोकोटिलेडोनी, है ना। हम अब इसी में अंदर में पढ़ेंगे, तो शुरुआत करते हैं डाइकोटिलेडोनी का, है ना, क्योंकि कल क्लास में इसका जो डिटेल था उसको बता दिया था, है ना, क्योंकि इसको फिर से पुनः बांटा था, क्या बांटे थे हम, देखो ये सब क्या चीज है इनका, ये सब चीज क्या है आपको जी, बोलो क्या चीज है, ये ग्रुप है ना, ये ग्रुप है, तीन ग्रुप, क्या, डाइकोटिलेडोनी, जिम्नोस्पर्मी और मोनोकोटिलेडोनी, है ना, तीन ग्रुप में बांटे। अब इस तीन ग्रुप को फिर पुनः हम बांटे थे, किसने बांटे थे, पॉलिनेशन,
इसके लिए हम इसे तीन क्लास में बांटे थे, देखो तीन क्लास में बांटे थे। यहां पर देखो पॉलीपेटली, है ना, दूसरा क्या था गेमोपेटली, और तीसरा क्या था मोनोक्लेमाइडी। और इस जिम्नोस्पर्म को कितना हम बांटे थे, इसको भी हम तीन ऑर्डर में बांटे थे, तीन ऑर्डर। तो देखो इसका ऑर्डर क्या था, निटेलिस, है ना, दूसरा क्या था साइकाडेलिस, और तीसरा कोनिफरेलिस। इतना बताया था। और जो मोनोक्लेमाइडी को फिर से सात जो सीरीज बांटे थे, कितना सीरीज में, सात सीरीज में। अब देखो इसका सात सीरीज क्या क्या सीरीज है। पहला सीरीज क्या है, माइक्रोस्पर्मी, आ जाओ। है ना, पहला सीरीज माइक्रोस्पर्मी, दूसरा सीरीज का नाम है इपिगाइनी, और तीसरा क्या है कोरोनरी, और चौथा सीरीज का नाम है इसका केलाइसिनी। और इसके बाद में आता है नेडिफ्लोरी, है ना, इसके बाद में आता है एपोकार्पी, और लास्ट आता है ग्लूमी ग्लूमी एसी, है ना। तो ये सात सीरीज था। अब हम यहां पर देखेंगे, डिटेल करते जाएंगे किसका, ग्रुप डाइकोटिलेडोनी का, है ना। स्टार्ट करेंगे ग्रुप डाइकोटिलेडोनी का। तो हम यहां पर लिखेंगे ग्रुप ए, है ना। तो डाइकोटिलेडोनी का हम यहां पर क्या करेंगे, अब डिटेल करेंगे, है ना। अब देखो जो ग्रुप डाइकोटिलेडोनी है, है ना, यहां पर इसको हम कितने में बांटे थे, तीन। देखो तीन क्या चीज थे, तीन क्लास में बांटे थे, पॉलीपेटली, गेमोपेटली और मोनोक्लेमाइडी, है ना। तो सबसे पहले हम डील करेंगे इसका डाइकोटिलेडोनी का लक्षण लिखो। सबसे पहले लक्षण लिखो इसका डाइकोटिलेडोनी का, है ना। तो डाइकोटिलेडोनी का लक्षण देखो, इसका पहला लक्षण है इनमें पाया जाता है टैप रूट, मूसला जड़ पाया जाता है, है ना। वे पौधे जिसमें मूसला जड़ पाया जाता हो, टैप रूट पाया जाता हो, है ना, कैसे प्रकार का रूट पाया जाता हो, टैप रूट जिसमें पाया जाता हो, है ना। इनका दूसरा लक्षण है रेटिकुलेट वनरेशन, लीफ में क्या, इसका जो लीफ में रेटिकुलेट वनरेशन, है ना, इनका जो पत्ती में कैसा भी वेंडेशन, रेटिकुलेट जालिका शिराविन्यास, है ना। तो इनके जो लीफ में रेटिकुलेट वेंडेशन पाया जाता है। इसके अलावा इनका जो लक्षण हम देखेंगे तो टू कोटलडान का पाया जाना, इनमें कैसा कोटलडान, टू कोटलडान का पाया जाना, है ना, दो बीज पत्र का पाया जाना इसका तीसरा लक्षण है। पहला में क्या बोला, टैप रूट मूसला जड़ का पाया जाना, दूसरा लक्षण है इसका लीफ कैसे में, लीफ में रेटिकुलेट वनरेशन पाया जाना, है ना। क्लासिफिकेशन पढ़ते हो तो आपको धौर्य की जरूरत पड़ेगा। इसमें अगर
थोड़ा से भी आप लोग पेशेंस खोए तो फिर क्लासिफिकेशन याद नहीं होगा, है ना। इसको ऊपर का ढांचा बताया, इस ढांचा को बस इतनी याद रखना है ना। फिर एक एक को हम क्या करेंगे, डील करेंगे। इसका चौथा लक्षण है, देखो चौथा लक्षण में क्या लक्षण बोला था मैं, इसका जो फ्लावर है, चौथा लक्षण हम देखेंगे फ्लावर, इसका जो फ्लावर है वो कैसे पाया जाएगा, पेंटामेरस, ठीक है जी, कैसे पाया जाएगा, पेंटामेरस। तो इस प्रकार से ये है आपका डाइकोडॉन, है ना, उसका लक्षण। तो डाइकोट प्लांट में इतना लक्षण होगा तो वह प्लांट क्या होगा, डाइकोट प्लांट होगा। अगर इतना लक्षण नहीं होगा तो डाइकोट वो नहीं होगा, चाहे वो कोई फैमिली का रहे, कोई भी ऑर्डर का रहे, इतना लक्षण कंपलसरी है। क्या, टैप रूट, लीफ मेरिटिकुलेट वेनरेशन, टू कोटिलेडन होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, फ्लावर पेंटामेरस होना चाहिए। तो इतना लक्षण क्या है, कंपलसरी है। अब हम देखेंगे इसका क्लास पॉलीपेटली को डील करेंगे, है ना। तीन का पहला जो क्लास है क्या, क्लास पॉलीपेटली। है ना, तो हम क्लास पॉलीपेटली को यहां डील करेंगे। तो क्लास पॉलीपेटली का लक्षण देखो, है ना, क्लास पॉलीपेटली का फिर से हम क्या करेंगे, यहां पास लक्षण लिखेंगे। तो इसका एक लक्षण है जो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इसका देखो सेपल और प्लेटल क्या रहेगा, फ्री रहेगा, स्वतंत्र रहेगा, है ना। तो इसमें लिखो सेपल एंड पेटल आर फ्री, है ना, सेपल और पेटल क्या रहेगा, स्वतंत्र रहेगा, जुड़ा हुआ नहीं रहेगा। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, पॉलीपेटली। अब देखो पॉलीपेटली में एक और चीजें हैं, जो पेटल है, सेपल है, ठीक है, इसका सेपल है, यह ओव्यूल से अटैच नहीं रहता है, ओवरी से, है ना। अभी देखो सेपल और पेटल क्या है, फ्री है। अब इसे हम पुनः कितना सीरीज में बांटेंगे, फिर से हम बांटेंगे 6 सीरीज में, ठीक है। तो पॉलीपेटली को, है ना, इसे हम 3 सीरीज में रखेंगे, थैलेमी फ्लोरी, डिस्की फ्लोरी और केलाइसी फ्लोरी, है ना। तो इनका जो सीरीज को लिख लो, देखो इनका जो सीरीज है, तो सीरीज में हम पहला सीरीज लिखेंगे थैलेमी फ्लोरी, है ना। तो इधर बनाते हैं, इधर को मिटा देता हूं मैं, हाँ ठीक है। देखो हम देखेंगे थैलेमी फ्लोरी को, इसी को अब क्या करेंगे, डिटेल करते जाएंगे। तो पहला सीरीज क्या है, थैलेमी फ्लोरी, किसका, पॉलीपेटली का सीरीज है थैलेमी फ्लोरी, है ना। तो थैलेमी फ्लोरी को हम देखेंगे, जो थैलेमी फ्लोरी का मुख्य जो लक्षण लिख लो, है ना, इसका सेपल क्या रहेगा, फ्री रहेगा। इसका पहला लक्षण लिखो, सेपल क्या रहेगा, फ्री रहेगा, जो बाह्य दल है सेपल है वो क्या रहेगा, फ्री रहेगा, स्वतंत्र रहेगा। तो क्या लिखो, सेपल, सेपल्स आर फ्री, है ना, इसका सेपल्स क्या रहेगा, स्वतंत्र रहेगा, तथा साथ साथ क्या रहेगा, जो ओवरी है, अंडाशय है, उससे क्या रहेगा, अटैच नहीं रहेगा, है ना। तो सेकेंड लाइन हम इसी में क्या लिखेंगे, एंड नॉट अटैच टू ओव्यूल, नॉट अटैच टू ओव्यूल, ठीक है, ये क्या रहेगा, फ्री रहेगा, स्वतंत्र रहेगा। इसका दूसरा लक्षण हम देखेंगे, थैलेमी फ्लोरी का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लक्षण है, इसका जो प्लांट है कैसे रहेगा, हाइपोगाइनस। अगर हम इस यहां ओवरी लिखना है ना, तो ये जो ओवरी रहेगा, ओवरी कैसे रहेगा, हाइपोगाइनस रहेगा,
है ना, इसका ओवरी है वह किस प्रकार से पाया जाएगा, हाइपोगाइनस टाइप का। ये सबको लक्षण मन को जानना है। अभी ऑब्जेक्टिव में मैं पूछ सकता हूँ, है ना, थैलेमी फ्लोरी का जो लक्षण है ना, और उसमें एक लक्षण रहेगा हाइपोगाइनस, तो फिर आपको उसी चीज में उनको पहचानना है कि कैसा कैसा लक्षण क्या क्या में है वो, है ना। दूसरा इसमें लक्षण है, देखो इसमें जो एंड्रोसियम और गैनोसियम क्या रहेगा, असंख्य रहेगा, इन्फिनिट रहेगा, असीमित रहेगा, है ना। तो यहां लिखना है क्या, एंड्रोसियम इन द गाइनोसियम आर इन्फिनिट, असंख्य, है ना। इसके बाद देखो, अब देखेंगे जो थैलेमी फ्लोरी है, थैलेमी फ्लोरी में कितना ऑर्डर इंक्लूड किया गया है, इसमें सिक्स ऑर्डर इंक्लूड किया गया है थैलेमी फ्लोरी में। कितना ऑर्डर जी, सिक्स ऑर्डर इंक्लूड किया गया है। है ना, कितना ऑर्डर इसमें है, सिक्स ऑर्डर इनमें इंक्लूड किया गया है। तो हम इस जो सिक्स ऑर्डर है, छह ऑर्डर है, इस छह ऑर्डर को अब देखेंगे बारी बारी, ठीक है। इस थैलेमी फ्लोरी पढ़ रहे हैं, इसके बाद में डिस्की फ्लोरी पढ़ेंगे, फिर कैलाइसी फ्लोरी पढ़ेंगे, है ना। तो थैलेमी फ्लोरी में जो ऑर्डर है, इसका पहला ऑर्डर है ना, इस ऑर्डर को हम बोलते हैं रेनेल्स। पहला ऑर्डर क्या है, रेनेल्स, पहला ऑर्डर का नाम है रेनेल्स। इस रेनेल्स के अंदर में आठ फैमिली इंक्लूड किया गया है। कितना फैमिली, आठ फैमिली। देखो पहला ऐसे बनाता हूं, पहला है ना, यह इसका फैमिली है। तो फैमिली में देखो इसका आठ फैमिली, दो तीन चार पांच छह, नीचे और करेंगे। तो पहला फैमिली है जिसे हम बोलते हैं रेनन्कुलेसी, है ना। तो पहला फैमिली का नाम है रेनन्कुलेसी। दूसरा है डिलिनिएसी, तीसरा है कैलिकेंथेसी, है? इसका एक सेकंड रुको, रुको गड़बड़ है, ये ठीक है। इसके बाद में देखो मैग्नोलियेसी, है ना, मैग्नोलियेसी के बाद में है एनोलियेसी, एनोनियसी के नीचे में लिखो मेनियो स्पर्मी से, मेनियो मेनी स्पर्मी से। सातवां इसका फैमिली है बर्बेरिडियेसी, है ना। और आठवां इसका फैमिली है
जिसे हम बोलते हैं निम्फियसी। है ना, निम्फियसी। तो इसका हो गया आठ फैमिली, किसका? रेनन्कुलेसी का। अब हम देखेंगे रेनन्कुलेसी के बाद में दूसरा फैमिली देखेंगे इसका, दूसरा ऑर्डर है पेराइटेलिस। उतना को लिख लो, तब तक इधर को मिटा देते हैं। हाँ, टोटल सिक्स ऑर्डर है ना। तो पहला ऑर्डर लिखे हैं हम लोग रेनल्स लिखे हैं, है ना। इसके बाद में हम दूसरा ऑर्डर भी लिखेंगे। ऐसे बारी बारी लिखना है सब ऑर्डर को। दूसरा ऑर्डर है पेराइटेलिस, पहला ऑर्डर हो गया, ये है दूसरा ऑर्डर। दूसरा ऑर्डर है हमारा पेराइटेलिस। अब इस पेराइटेलिस के अंदर में भी हम कितना फैमिली देखेंगे, इसके अंदर में हम देखेंगे टोटल नौ फैमिली, है ना। टोटल कितना फैमिली? नौ फैमिली, है ना। इसके अंदर में नाइन फैमिली इंक्लूड है। तो देखो, पहला फैमिली है ना, टोटल इसमें हम नौ फैमिली देखेंगे। तो पहला है देखो सरासिनियसी, है ना। पहला फैमिली क्या है? सरासिनियसी, है ना। दूसरा चीजें हैं देखो, कभी लिखते लिखते अगर चीजें थोड़ा से भी मतलब माइंड उतर जाएगा तो कम से कम याद रखना कि इसमें इतना फैमिली है कम से कम, है ना। और आधा कम से कम दो तीन फैमिली लिख सकते हो फिर नीचे में, है ना। तो देखो, पहला फैमिली क्या है? सरासिनियसी, है ना। और दूसरा फैमिली है देखो पैपावेरेसी, तीसरा फैमिली है देखो दूसरा पैपावेरेसी, तीसरा है देखो क्रूसीफेरी, है ना। चौथा इसका फैमिली हम देखेंगे कैप्सिडेसी, कैपेरिडेसी, इसका देखो पांचवा जो फैमिली है उसको हम बोलते हैं रेसिडेसी। है ना, रेसिडेसी। और छठवां जो फैमिली है इसका उसको बोलते हैं हम लोग सिस्टिटनी। सिस्टिनेसी। इसके बाद में सातवां फैमिली है, सातवां को हम बोलते हैं वियोलोरियाई। है ना, सातवां है हमारा वायो वायोलेरियाई, है ना। और आठवां है आपका केनिलेसी। और लास्ट इसका जो फैमिली है उसे बोलते हैं बिक्सिनी।
तो इस प्रकार से इसका क्या है, नौ फैमिली होता है ना। हम इसका तीसरा ऑर्डर भी देखेंगे, दो ऑर्डर हो गया, क्या क्या फैमिली हो गया देखो, पेरेटेलिस में है ना, सारासिरवेरी, पापेवेरेसी, क्रूसीफेरी है ना, कैपेरेडियसी है ना, रेसिडियसी है ना, इसके बाद में क्या है, सिस्टेनियसी, वैलोरियसी, केलाइसिनियसी और बिक्सिनी है ना। इसके बाद में हम इसका तीसरा चीज देखेंगे, पॉलीगोनियसी, देखो दो ऑर्डर हो गया है ना। अब इसका हम देखेंगे तीसरा ऑर्डर, इसको मिटाते हैं, नाइन फैमिली है दिख रहा है, और इसका देखो हम देखेंगे पॉलीगिनी है ना, तीसरा है कौन है, पॉलीगिनी, है ना, पॉलीगिनी हम देखेंगे। तो पॉलीगिनी में भी इसमें कितना फैमिली है, टोटल हम इसमें देखेंगे पॉलीगिनी में चार फैमिली है ना। तो चार फैमिली में पहला नाम लिखो पिट्टोस्पोरी, पहला है इसका पिट्टोस्पोरी, दूसरा फैमिली है इसका टेमेंड्रेसी, टेमेंड्रेसी, है ना, ट्रेमेंड्रेसी। इसका तीसरा जो फैमिली है जिसे हम बोलते हैं पॉलीगेली, और चौथा फैमिली है, चौथा फैमिली को हम बोलते हैं वेचिलिएसी, वेचिसिएसी है ना। चौथा है वेचिसिएसी, तो इस प्रकार से क्या है, इसका भी चार फैमिली हो गया है ना। अब हम देखेंगे तीसरा हो गया, अब इसका चौथा ऑर्डर देखेंगे, खिंचा गया क्या, एक मिनट, कुछ नहीं होगा, तो इसका हम क्या देखेंगे, चौथा देखेंगे, चौथा ऑर्डर, टोटल छह ऑर्डर पढ़ना है ना। तो चौथा ऑर्डर हम देखेंगे कैरियोफिल्नी, चौथा ऑर्डर है इसका कैरियोफिल्नी, है ना। तो देखो चौथा ऑर्डर क्या है, कैरियोफिल्नी है ना। इस कैरियोफिल्नी के अंदर में हम देखेंगे फिर से, तो कैरियोफिल्नी के अंदर में फिर से कितना फैमिली, चार फैमिली है ना, कितना फैमिली, चार फैमिली, ऐसा फैमिली है ना, यहां भी बताया हूं, ये भी क्या है, फैमिली है। तो कैरियोफिल्नी के अंदर में भी चार फैमिली, इसी पैटर्न में लिखना एग्जाम में है ना, ऐसी बना बना करके लिखना, आपको लिखने में सुविधा होगा और याद कभी याद आसानी से होगा। तो कैरियोफिल्नी में देखो पहला फैमिली है फ्रैंकिएसी है ना, फ्रैंकनिएसी,
पहला है फ्रैंकिनियसी, दूसरा है कैरियोफिलेसी, तीसरा इसका फैमिली है देखो पोर्टुला केसी, पोर्टुला केसी। और इसका चौथा जो फैमिली है, चौथा फैमिली में हम देखेंगे टैमिरिक्सेसी। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका भी क्या है, चार फैमिली हो गया। नेक्स्ट फैमिली के लिए फिर से इधर को साफ करते हैं। है ना, तो इसका पांचवा ऑर्डर है। एक जने जाओ इधर से चौक लेके आना, इधर सामने वाले से बैठ के जाओ, निकलते नहीं बन रहा है तो जल्दी जाओ, इसको दे दो और लेके आओ, जाओ जल्दी। अरे जाओ ना, इतना टाइम तक तो आ गए होते। ठीक है, तो हम यहाँ पास पांचवा जो ऑर्डर देखेंगे, पांचवा ऑर्डर देखेंगे, तो पांचवा ऑर्डर को हम बोलते हैं गट्टी फेरल्स। हैं? गट्टी फेरल्स का लिखना है आपको छह फैमिली। इसके अंदर में छह फैमिली लिखना है ना। अब देखो कौन कौन से इसका फैमिली है, आदब हरक दो। देखो जो गट्टी फेरेलिस का हम फैमिली देखेंगे, तो कौन कौन से जो फैमिली है इसको देखेंगे, जिसके अंदर में छह फैमिली है ना। पहला फैमिली है इलेटिनी, दूसरा फैमिली हम देखेंगे इसमें गट्टी फेरी, इसका तीसरा फैमिली है, तीसरा फैमिली को हम बोलते हैं हैप्रीसिनी, है ना। हैप्रीसिनी चौथा फैमिली है इसका टर्ना स्ट्रोमियसी। पांचवा इसका फैमिली है देखो हिप्टेरोकार्पी, नहीं डिप्टेरोकार्पी। इसका इसका लिख लो ट्रांस स्ट्रोमियसी, देखो टी, ट्रांस स्ट्रोमेरियसी, देखो ये है ट्रांस स्ट्रोमियसी। ठीक है, फिर क्या है डिप्टेरोकार्पी, डिप्टेरोकार्पी के बाद में है क्लिनेसी। इसके बाद में इसका जो लास्ट है फैमिली है, इसे हम बोलते हैं क्लिनेसी, हो गया छह फैमिली ना। अब इसका हम लास्ट ऑर्डर देखेंगे मालवेल्स।
हम इसका लास्ट ऑर्डर देखेंगे कौन सा, मालवेल्स। तो मालवेल्स ऑर्डर देखेंगे लास्ट ऑर्डर है, इसमें आपको तीन फैमिली मिलेगा। मालवेल्स में कितना फैमिली, तीन फैमिली। तो पहला फैमिली इसका मालवेसी, पहला फैमिली का नाम क्या है, मालवेसी। पहला फैमिली मालवेसी है ना, दूसरा फैमिली है ईस्टर कुलियसी, दूसरा क्या है ईस्टर कुलियसी, और तीसरा है टिलियसी, तीसरा फैमिली है टिलियसी। तो ये हो गया आपका पहला सीरीज थैलेमी फ्लोरी है ना। थैलेमी फ्लोरी क्या होता है, इतना में कंप्लीट होता है। हम अब दूसरा देखेंगे डिस्किली फ्लोरी है ना, डिस्की फ्लोरी देखेंगे। हम दूसरा सीरीज देखेंगे है ना, जिसका नाम क्या है, डिस्की फ्लोरी, सीरीज टू डिस्की फ्लोरी। तो हम देखेंगे डिस्की फ्लोरी, डिस्की फ्लोरी का देख लो है ना, दूसरा देख लो सेपल क्या रहेगा जी, फ्री या क्या रहेगा, अटैच है ना, फ्री या सम कंपाउंड रहेगा। तो क्या बोलोगे, इसका जो बाह्य दल है सेपल है वह क्या रहेगा, स्वतंत्र या आपस में जुड़ा हुआ है ना। तो पहला इसका जो लक्षण क्या हो जाएगा, सेपल आर फ्री आर कंपाउंड, फ्री आर कंपाउंड है ना। क्या इसका मतलब क्या है, सेपल क्या रहेगा, स्वतंत्र रहेगा या जुड़ा हुआ आपस में। इसका हम दूसरा लक्षण लिखेंगे है ना, ओव्यूल के नीचे क्या रहेगा, एक डिस्क या वलय उपस्थित रहेगा है ना। तो ओव्यूल के नीचे क्या रहेगा, डिस्क या वलय प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, डिस्क का प्रेजेंट इन ग्लो ऑफ ओव्यूल, ठीक है। ओव्यूल के नीचे क्या रहेगा, डिस्क का प्रेजेंट रहेगा। हाँ ओव्यूल नहीं, ओवरी लिखना इसको है, ओवरी के नीचे क्या रहेगा, डिस्क का उपस्थित रहेगा। इसके अलावा जो एंड्रोशियम की जो संख्या है वो क्या रहेगा, सीमित रहेगा है ना। एंड्रोशियम क्या रहेगा, सीमित रहेगा। इसका इसमें हम देखेंगे कितना ऑर्डर, लास्ट देखो ऐसे लिख लो, अंग्रेजी में लिखोगे तो एंड्रोशियम नंबर्स आर, ये नंबर्स है सेचुरेटेड है ना। हम इसके अंदर में कितने फैमिली पढ़ेंगे, देखो इसके अंदर में हम फोर ऑर्डर और 23 फैमिली पढ़ेंगे है ना। इसमें कितना ऑर्डर, फोर ऑर्डर और कितना फैमिली, 23 फैमिली।
इतना पढ़ना है। ठीक है, तो हम देखेंगे इसमें टोटल हम चार ऑर्डर पढ़ेंगे, है ना। तो चारों ऑर्डर कौन कौन से है देखो। पहला ऑर्डर है जेरानियल्स, इसका हम पहला ऑर्डर देखेंगे जेरानियल्स। है ना, इस जेरानियलिस ऑर्डर के अंदर में हम पढ़ेंगे 11 फैमिली। कितना फैमिली पढ़ेंगे? 11 फैमिली। ठीक है, टाइम क्या हुआ है? है ना, देखो 12 बजा है। कितना? 12:17। अच्छा ठीक है, तो हम यहाँ पर देखेंगे क्या 11 फैमिली है ना। तो इस 11 फैमिली और कितना ऑर्डर बोले थे हम? चार ऑर्डर है ना। तो इसे 11 फैमिली, देखो कौन कौन सा फैमिली है। फैमिली के नाम को लिख लो फटाफट, बोल दे रहा हूँ, लिख लो, बोल दे रहा हूँ, थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा, बोल रहा हूँ, बहुत लंबा है। देखो पहला लिख लो लिनी, दूसरा लिख लो ह्यूमिरिएसी, ह्यूमिरिकेसी, तीसरा लिख लो मालपिघिएसी, चौथा है जायगोफिलिएसी, चौथा है जायगोफिलिएसी, पांचवा है जिरेनियसी, छठवां है रूटेसी, रूटेसी, छठवां है आपका रूटेसी, और सातवां लिख लो सीमा रूबी, आठवां है ओक्रेसी, आठवां फैमिली है ओक्रेसी, नौवां लिख लो बर्सेरेसी, बर्सेरेसी, दसवां लिख लो मेलिएसी, और ग्यारहवां लिख लो चेलिटीएसी। हम दूसरा ऑर्डर देखेंगे इसमें, है ना। दूसरा ऑर्डर का नाम है ओलाकेलिस, तो देखें इस ओलाकेलिस के अंदर, है ना, इसके अंदर में तीन फैमिली है। देखो ओलिसियनी, इसके अंदर में तीन फैमिली है। फैमिली के नाम नोट कर लो, तीन फैमिली है देखो ओलिसियनियसी, पहला फैमिली है ओलिसियनियसी, दूसरा है इलिसिनी, और तीसरा है सिरिली। हम इसका तीसरा ऑर्डर देखेंगे, तीसरा ऑर्डर को हम बोलते हैं सिले स्ट्रेल्स। है ना, सिले स्ट्रेल्स। तो सिले स्ट्रेल्स के अंदर में हम देखेंगे फिर से चार फैमिली, इसके अंदर में हम देखेंगे चार फैमिली। तो चार फैमिली देखो, लिख लो फटाफट। पहला फैमिली है सिले स्ट्रिनी, सिले स्ट्रिनी पहला फैमिली। दूसरा फैमिली लिख लो रेमनी, और चौथा है एम्पेलिडी, तीसरा रेमनी। तीसरा
तीसरा तो रेमनी बोला, दूसरा दूसरा स्टेक हाउसी छूट गया था क्या, दूसरा स्टेक हाउसी, तीसरा रेमनी और चौथा है एम्पेलिडी। इसका चौथा ऑर्डर है जिसे हम बोलते हैं स्पिंडेंस। चौथा ऑर्डर है स्पिंडेल्स और स्पिंडेल्स के अंदर में हम लिखेंगे पांच फैमिली, है ना। इसके अंदर में कितना फैमिली लिखेंगे, अब देखो जो इसमें का पहला फैमिली देखो, सेपिंडेल्स है ना, सेपिंडेल्स एस ए लिख लो। हाँ इसके बाद देखो पहला इसका फैमिली है सेपिंडेसी। पहला फैमिली कौन सा है, सेपिंडेसी। दूसरा फैमिली है सेबिएसी। तीसरा है एनाकार्डिएसी, एनाकार्डिएसी। और चौथा है कोरिएसी। हाँ इसको कोरियरी ऐसे लिख लो, इसमें कुछ और बताना है। चौथा है इसका कोरियरिसा है। है ना कोरियरिसा। और पांचवा है मोरिगी। है ना ये दोनों क्या है, एनामोलस फैमिली है, एनामोलस फैमिली असंगत फैमिली है दोनों, है ना। ये दोनों क्या है, एनो मालस फैमिली असंगत फैमिली है। असंगत मतलब बाकी लोग संगत है एक साथ बढ़िया, मतलब जिस जो ऑर्डर जिनमें किया गया है ना, बाकी फैमिली से ये दोनों भिन्न है ना, बाकी फैमिली से ये दोनों भिन्न है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, एनोमालस फैमिली। अब हम इसका तीसरा सीरीज में जाएंगे, तीन सीरीज। हाँ ये है आपका डाइकोल्टोनी का तीसरा सीरीज पढ़ेंगे, लास्ट सीरीज है ना। देखो तीसरा सीरीज है आपका केलाइसी फ्लोरी। फिर खिंचा गया क्या, नहीं खिंचा है ना, ठीक थोस जाता है कभी कभी। तीसरा सीरीज है आपका केलाइसी फ्लोरी। है ना तो इस केलाइसी फ्लोरी जो तीसरा जो सीरीज है, इस सीरीज का लक्षण लिख लो, है ना। पहला देखो जो सेपल क्या रहता है, गेमोसेप्लस, है ना। पहला इसका लक्षण क्या है, सेपल कैसा होता है जी, सेपल इसका होता है गेमोसेप्लस। गेमोसेप्लस का मतलब है सेपल आपस में जुड़े होना, ठीक है। बट कभी कभी क्या होता है, फ्री होता है, ठीक है। बट कभी कभी क्या होता है, फ्री होता है। ठीक है
लेकिन अधिकतर क्या मिलेगा आपको, गेमोसेप्लस टाइप का ही मिलेगा, ठीक है? कैसे मिलेगा? गेमोसेप्लस टाइप का ही मिलेगा। दूसरा चीज क्या होता है, जो बाह्य दल है, हम शुरू में पढ़े थे क्या थैलेमी फ्लोई में, जो सेपल है वो किससे जुड़ा हो, नहीं जुड़ा होगा ओवरी से, लेकिन इसमें जो सेपल है वो ओवरी से अटैच रहेगा, है ना? क्या सेपल आर अटैच टू ओवरी, ठीक है? सेपल्स क्या रहेगा, ओवरी से अटैच रहता है, ओवरी से जुड़ा हुआ रहता है सेपल इसका, है ना? इसके अलावा देखो ये क्या होता है, पेरीगाइनस होता है, पेरीगाइनस या इपीगाइनस, इपीगाइनस लिख लो ज्यादा पता चलेगा। है ना, कैसे रहेगा, इपीगाइनस प्रकार का जो रहेगा, ओवरी कैसे रहेगा, इपीगाइनस। इसके अलावा हम देखेंगे तो इसका जो ओवरी क्या रहता है, इन्फेरियर रहता है, उसका ओवरी क्या सुपीरियर था, इसका ओवरी क्या रहेगा, इन्फेरियर। कैसे रहेगा, इन्फेरियर। ठीक है, ओवरी कैसा रहेगा, इन्फेरियर रहेगा, ठीक है, वो रहेगा, ठीक है। तो इसका ये क्या है, इस लक्षण है, इसमें कितना ऑर्डर, 5 ऑर्डर और 27 फैमिली, है ना? कितना ऑर्डर इनमें, 5 ऑर्डर कितना फैमिली, 27 फैमिली, इतना इसमें इंक्लूड किया गया है, कौन सा, केलाइसी फ्लोरी के अंतर्गत। ठीक है, तो फैमिली को फिर लिखा दूंगा। पहला जो ऑर्डर है उसे हम बोलते हैं रोजालिस, पहला ऑर्डर है वह क्या है, रोजालिस। तो रोजालिस ऑर्डर के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा 9 फैमिली, ठीक है? कितना फैमिली इसके अंदर में, 9 फैमिली। अब देखो फैमिली के नाम लिख लो, कोनेरेसी, पहला फैमिली है कोनेरेसी, हो गया। दूसरा फैमिली है लेग्जुमिनेसी, लेग्जुमिनेसी जो लेग्जुम फैमिली मटर वाला। तीसरा है रोजेसी, तीसरा है रोजेसी। चौथा है सेक्सीफेगी, सेक्सीफेगी चौथा। पांचवा है क्रेसुलेसी, क्यों हंस रहे हो? पांचवा है देखो क्रेसुलेसी। छठवा है ड्रास्ट्रेसी। सातवां है हेमामेलिडी, सातवां है हेमामेलिडी, हेमालिन मत लिखना कोई, ठीक है, हेमामेलिडी। आठवां है ब्रूनिएसी। नाइन है होलोरेगी। अब दूसरा है इसका मिर्टेलिस, दूसरा ऑर्डर है मिर्टेलिस। हाँ, इसके अंदर में फैमिली लिख लो, 6 फैमिली, मिटेलिस के अंदर में 6 फैमिली नोट कर लो, है ना?
पहला इसका फैमिली है देखो रोजोफोरेसी, पहला है रोजोफोरेसी, दूसरा है कॉम्बेट्रेसी, कॉम्बेट्रेसी, तीसरा है मिर्टेसी, चौथा है मेला इस्टोमेसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है ना। पांचवा है लाइथ्रेरी, छठवा है ओनाग्रेरी, ओनाग्रेरी पूरा जीवन भर तो काम आएगा, जितना दिन बॉटनी पढ़ोगे तब तक, ठीक है। इसका तीसरा ऑर्डर है पैसी फ्लोरेलिस, पैसी फ्लोरेलिस। तो पैसी फ्लोरेलिस इसका तीसरा ऑर्डर है, इसके अंतर्गत हम देखेंगे कितना सेवन फैमिली है ना, कितना फैमिली, सेवन फैमिली। अब देखो इनमें कितना फैमिली है, सेवन फैमिली, फटाफट नाम देखो सेवन फैमिली का। पहला है सेमीडेसी, पहला फैमिली के नाम क्या है, सेमीडेसी। दूसरा है लोएसी, तीसरा है टर्नीरेसी, चौथा है पैसी फ्लोरी, पांचवा है कुकुरबिटेसी। अरे हसो मत।